नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक है इसी को देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। यह है आपका चौथा चैप्टर अध्याय 4। इसमें बात करेंगे संस्थाओं का कामकाज के बारे में, संस्थाओं के कामकाज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो भी आपके अध्याय खत्म हुए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप सभी का मतलब है ना, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या फिर कक्षा 9वीं के स्टूडेंट हैं या फिर इंडियन हैं, सबके लिए ये जरूरी है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये सभी चैप्टर। एक परिचय। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानून को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है, कि नहीं शासकों को। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 संस्थाओं यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ, जिनमें से आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा है आपका मीडिया। ठीक है, आप पहले ही कक्षा में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह की काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्रीय, केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर भी नजर रख सकेंगे। आप जान सकेंगे या राज्य सरकार क्या क्या करती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है, OM नंबर 36012, 36012 3190 या का OM नंबर है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हम हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों का विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया, इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी फैसले में एक प्रदेश प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसमें कहा गया, देखिए इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी कि OBC, ऐसे BC भी बोलते हैं, से के लिए आरक्षित होंगी। अब तक जिन जातियों समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है
उन्हीं का एक और नाम ई एस ई बी सी, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी यानी कि जनजातियों को ही मिल रहा था। अब एसईबीसी यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी। इसके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। आरक्षित का मतलब ये हो जाता है, पता है आपको, जैसे आपने लोकसभा राज्यसभा में सीटें आरक्षित देखी थी, कि अगर अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं तो इस पे केवल अनुसूचित जाति के सदस्य ही कब्जा कर पाएंगे, यानी कि उन्हीं के लिए होंगी, ये किसी और के लिए नहीं होंगी, याद रखिए, मतलब उसके लिए आरक्षित कर दी गई है। निर्णय करने वाले इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नजर डालते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, या भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही माना जाता है, ये राष्ट्र प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इन इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में कितने सदन होते हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में यह सब शामिल थे, इसके बारे में पता करते हैं। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी और आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। कई यानी कि वर्षों तक पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे, पर 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई। कौन सी घटनाएं? नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। क्या किया? सूचित किया। कैबिनेट के फैसले कामुक क्रामक तरह तथा प्रशिक्षण विभाग ने को भेज दिया गया। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया। मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से
दी। एक अधिकारी ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस तरह 13 अगस्त 1990 को वो एमए ओ एम एन नंबर यानी कि 36,012,31,93 हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाब भी प्रदर्शन हुए, इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय में से जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर छिनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्ना बनावराज सरकार मामला कहा। इंदिरा साहनी एवं अन्ना बनाम भारत सरकार मामला। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया, भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उनके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी इस नीति पर अमल किया जा रहा है। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय, कैबिनेट, सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को वैध करा दिया। कैबिनेट 27% आरक्षण देने का मांग। राष्ट्रपति आदेश जारी करने की घोषणा। सरकारी मंडलायुक्त की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा। चलते हैं हम लोग आगे राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता आके क्यों है। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है, इसे सेना पुलिस विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है आपकी सरकार। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहेंगी। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आपने सुना होगा पीएम से बड़ा
पीएमओ होता है, कि क्योंकि पीएम बदलता रहता है, पीएमओ ऑफिस हमेशा वही रहता है, कोई भी प्रधानमंत्री आए। ठीक है, इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्था अपना काम को अच्छी तरह करती है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाया जाते हैं। क्या आप इन उदाहरणों में दूसरी संस्था के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं, इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां, कुछ रूटीन काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं, इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायनों में उपयोगी होती हैं। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्द जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। आपकी अब आप ही सोचिए कि एक एक आदमी आपके पूरे 135 करोड़ जनसंख्या के फैसले ले, मतलब उसे कहाँ पता कौन किस स्थिति में जी रहा है, किसके लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है उसकी। तो इसीलिए आपके विधायक चुने जाते हैं कि वो अपना अपने क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा उठाए। आपका एमपी होता है जो वो अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाए, आपकी समस्याओं को लेकर जाए। इसी तरह के सभी एमपी अपने अपने एमएलए अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे ले जाते हैं, तभी उससे निष्कर्ष निकल पाता है। ठीक है, बात करते हैं संसद कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में। क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं, क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था? हम उन्हें निम्नलिखित बातों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा संसद में हुई थी, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था संसद में, प्रधानमंत्री ने यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। आपने देखा होगा कोई भी कानून आता है या विधेयक आता है, कोई भी नियम लागू होने वाला है, तो उस पर पहले संसद में चर्चा होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है, जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा में रहता है तब तक वो विधेयक कहलाता है, और जैसे ही वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, वो अधिनियम में आपका फैसला बदल जाता है। ठीक है, इसी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले ही कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह फैसला करने की कोशिश कीजिए कि अगर सांसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता। आप लोगों ने ताजा उदाहरण देखा जम्मू कश्मीर का, राम मंदिर मुद्दा, राम
मंदिर मुद्दा पर तो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है, तो उसमें नहीं ले सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का आपने देखा है, जम्मू कश्मीर जब आपकी एनडीए सरकार आई 2014 में, तभी क्यों नहीं हटा दी गई 370? इसलिए क्योंकि राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था। जैसे ही 2019 में उनका राज्यसभा में बहुमत हुआ, लोकसभा में तो पिछली बार उनका बहुमत था, इस बार भी बहुमत था, तो राज्यसभा में उनका जैसे ही बहुमत आया उन्होंने फैसला ले लिया। ठीक है, अगर राज्यसभा में उनका बहुमत ना होता या लोकसभा में ना होता तो इस फैसले को पास करवाना मुश्किल होता। हमें संसद की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है, यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन भी कर सकती है, तथा मौजूदा कानून को खत्म करके उसकी जगह नए कानून बना सकती है। आप इस तरह की व्यवस्था देखते हैं। अब आप ही देखिए कि कई बार क्या होता है, तत्काल अभी ले लीजिए आप, महामारी अधिनियम था तो 1858 के करीब इसमें बदलाव हुआ। ठीक है, उसके बाद अभी 2020 में आपका बदलाव हो रहा है, बना था ये अंग्रेजों के समय, इसमें बदलाव हुआ। कई अधिनियम थे जो अंग्रेजों के समय बने, उन्हें खत्म कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया हमारे यहाँ से, तो ये बदलाव होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, संशोधन की बात करें तो अभी मानव अधिकार याद हो आपको, मानव अधिकार अधिनियम पर संशोधन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के संशोधन होते रहते हैं, नए आते रहते हैं और हटा दिए जाते हैं, कुछ जो अपनी जरूरत के हिसाब से रहते हैं उन्हीं को रखा जाता है, जिसकी जो जरूरत होती है वो बदलते रहते हैं। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है, भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसला कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद की ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकता है। अब बात करते हैं संसद के दो सदन, जो कि आधुनिक लोकतंत्र में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपकी संसद। लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका को और अधिकारों को देश दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या फिर सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि लोकसभा, क्या लोकसभा, और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं, लोकसभा सदस्य। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कुछ विशेष काम करते हैं, यानी कि दूसरे सदन है आपका राज्यसभा, इसके विधायक होते हैं जो आपके एमएलए ये राज्यसभा सदस्यों का चयन करते हैं। ठीक है, दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं, दोनों सदनों में एक को राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि दूसरा जो लोकसभा है ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और काउंसिल ऑफ स्टेट है ये आपके राज्य का यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा सदस्य हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जनता चुन रही है और जो राज्यसभा सदस्य हैं उन्हें स्टेट मतलब आपके
जो भी राज्य के एमएलए हैं वो चुनता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि यह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं, याद रखिए। जो राष्ट्रपति है सदन का तीसरा हिस्सा, इसे आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, निर्वाचित सदस्य। एक शब्द याद रखिए, निर्वाचित सदस्य ही लोकसभा का, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की मंजूर, राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसमें आपके मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। अध्याय 4 से आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। आप संसद के दोनों सदनों में गठन प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, किसमें याद रखिए एक पॉइंट, क्या कि लोकसभा में आपके लोकसभा सदस्य कितने हैं, 545। लोकसभा में आपकी कितनी है, 545, जिसमें से दो आपके चुने राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 243 आपके प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या होते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है, जनता द्वारा। और अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपके 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से आपके 12 राष्ट्रपति चुनता है, 12 को राष्ट्रपति चुनता है, और जो बाकी सदस्य होते हैं उन्हें आपका जो विधानसभा के सदस्य होते हैं एमएलए, विधायक, वो चुनते हैं। ठीक है, तो याद रखना लोकसभा में आपके 543 सदस्य जनता द्वारा चुनते हैं, दो को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राज्यसभा की बात करें तो 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 भारत का राष्ट्रपति चुनता है और बाकी के सदस्य विधायकों द्वारा यानी कि एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। और एक बात याद रखिए, लोकसभा का कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा आपका स्थायी सदन है, यानी कि इसका विघटन नहीं होता है। एक तिहाई इसमें से क्या रहता है कि राज्यसभा सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी कि हटते रहते हैं। सदस्यों को कौन चुनता है, तो आपको पता है लोकसभा सदस्यों को प्रत्यक्ष जनता चुनती है और राज्यसभा सदस्यों को आपके जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी है, तो आपको पता है लोकसभा अस्थायी सदस्य है, यानी कि उसे भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये आपका स्थायी सदस्य है, स्थायी सदन है। अब बात करते हैं लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है, राज्यसभा और लोकसभा में से सर्वाधिक प्रभावशाली सदन कौन सा है। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस यानी कि उच्च सदन, राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होता है, महज बोलचाल की पुरानी शैली है। हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन अधिक मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है, यानी कि अधिकतर अधिकार किसके पास है, लोकसभा के। किसी भी कानून, सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, यानी कि इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक एक
एक साथ बैठते हैं, सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठकों में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करता है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसों से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है, यानी कि 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। लेकिन अगर वो उसमें बदलाव करती है या उसे नकारती है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? उसमें आपका लोकसभा ही सर्वोच्च फैसला करेगा, जो भी उसका फैसला होगा वही लागू होगा। उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह सुझाव को माने या ना माने, यानी कि लोकसभा का स्वविवेक है कि वह माने तो अच्छा, ना माने तो अच्छा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल है। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है, आपका याद रखना। अब बात करते हैं लोकसभा में एक दिन का समय देखते हैं। 14वीं लोकसभा में के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ था। इस दिन की कार्यवाही के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्यवाही का अभिनय कर सकते हैं। 11 बजे विभिन्न मंत्रियों ने संसदों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों को लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थी कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत करने के बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। फिर 12 बजे ढेर सारी सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। 12:02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। 12:14 पर कई सदस्यों ने कुछ मुद्दे को उठाया जिसमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI का प्रति सुधात्मक रवैया, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत, आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीकरण की आवश्यकता। 2:26 पर सरकार द्वारा प्रस्तावित दो विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक और प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन संशोधन विधेयक। फिर आता है 4:00। देखिए 4:00 आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी करने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। 7:17 पर चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हुआ। तो ये था आपका एक दिन का पूरा समय संसद में क्या चलता है। अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिसे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला
करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे कौन प्रधानमंत्री जी आखिर। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें हमें ऐसे अधिकारों अधिकार की अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। बात करते हैं राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं, जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं, जो आप लोग बनने जा रहे हैं। ठीक है, लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या फिर नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका कर सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की यानी कि इकोनॉमिक्स की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा कुछ ज्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीन मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात होता है। आपने कई जगह सुना होगा कि कम पढ़ा लिखा भी रक्षा मंत्री बन गया, स्वास्थ्य मंत्री बन गए, तो उन्हें सलाह देने के लिए यही नौकरशाह होते हैं। ठीक, फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ले सकते हैं। कोचिंग में टीचर आपको क्या बताते हैं? सलाह देते हैं। अब मानना ना मानना आप पर निर्भर करता है। परीक्षा आपको पास करनी है तो निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा, बस वो आपको सलाह देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में।
इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी का गठबंधन का नेता है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब सीधा सा ये कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी गली चलत आदमी को नहीं बैठा देगा प्रधानमंत्री, जिसे लोकसभा में बहुमत होगा, यानी कि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्यों का जिन्हें समर्थन होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। और ये सदन सदस्य होते हैं जो लोकसभा के, ये जब भी अपना वोट वापस लेंगे यानी कि दूसरे पक्ष में चले जाएंगे, या आधे से अधिक सदस्य बोल देंगे कि हमें भरोसा नहीं है, हम इस प्रधानमंत्री को नहीं चाहते हैं, वो जिसे चाहेंगे वही बनेगा। ठीक है, इस तरह से कई बार आपने देखा हो कि प्रधानमंत्री या फिर आपके कैप राज्य के मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं क्योंकि विधायक एक पाले से दूसरे पाले में चले जाते हैं। तत्काल उदाहरण आप ले सकते हैं किसका, एमपी सरकार का, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। वहां पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपने 2020 में देखा है, 2020 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए, यानी कि उन्होंने कांग्रेस से अपना बहुमत खींच लिया। जो कांग्रेस को सहायता कर रहे थे वो अपना वोट दे रहे थे उनसे वो वापस ले लिया, इसलिए कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य का सदस्य होना चुना जाना जरूरी है। यहाँ इस तरह से आप ले सकते हैं कि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा के थे, उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। उन्हें 6 महीने बाद अगर राज्यसभा का सदस्य ना चुना जाता तो वो अपने पद से हट सकते थे। सीधा सा मतलब है 6 महीने के लिए किसी भी को प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसे सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, वरना उसे पद से हटना होगा। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी मंत्रिपरिषद उस निकाय की सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं, अपने हिसाब से सरकार चयन करती रहती है। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं कैबिनेट मंत्री। एक प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठकें करते हैं। इस तरह के कैबिनेट मंत्री का शेष समूह होता है, इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं, जैसे आप के होम मिनिस्टर हो गए, वित्त मंत्री साहब हो गए, रक्षा मंत्री साहब हो गए। ठीक, स्वतंत्र प्रभाव वाले राजमंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभावी प्रभारी होते हैं। विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट का बैठकों में भाग लेते हैं। तो राजमंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले की कैबिनेट कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करते हैं, मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है।
हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, यानी कि आईएएस अधिकारी। ये सचिव फैसला करते हैं करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट का की मदद कैबिनेट सचिवालय करते हैं। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार की बात करें हम तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या फिर एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता कहा गया, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। देखिए क्या होता है कि कहा जाता है राष्ट्र का असली प्रमुख होता है, कहने के लिए आपका राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, लेकिन असली शक्ति होती है किसके पास? प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है, सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण पुनः वितरण करता है, उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। इस तरह के भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की भी प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार को कुछ हद तक सीमित हुए। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हें उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी हुई है। अब आप एक उदाहरण ले सकते हैं, एनडीए। एनडीए 1980 से जब से बनी है, बीजेपी जब से बनी है तभी से राम मंदिर और जो आपका जम्मू कश्मीर का मामला है इसे हटाने का भाषण देते जा रही है। लेकिन 1980 के बाद देखिए अभी 2019 में जाकर ये सभी मामले हटे हुए। तो 2019 का मतलब समझ आए, क्योंकि उसके बाद गठबंधन की सरकारें रही हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली। अब नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिला है, अगर उसके गठबंधन साथी जो एनडीए में शामिल है अगर वो भी सहयोग नहीं देते हैं तब भी उनकी सरकार बची रह सकती है, तो इसलिए वो फटाफट कोई भी फैसला ले सकते हैं। और गठबंधन में अगर रहती उन्हें पूर्ण बहुमत ना होता तो वो डर डर के काम करते कि कहीं ये गठबंधन वाले रूठ ना जाए और अपना जो भी सहयोग है उसे खींच ना लें सरकार की जाए, ठीक है। राष्ट्रपति, एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिनका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। अब आप इस तरह से देखिए रामनाथ कोविंद और मीराबाई मीरा कुमार, देखिए यूपीए की तरफ से
मीराबाई को उम्मीदवार बनाया गया था और एनडीए की तरफ से आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। अब एक तरह से आप कह लीजिए कि एनडीए के प्रधान राष्ट्रपति हैं, कह सकते हैं ना आप लोग। तो किसकी चलता रहेगा? प्रधानमंत्री का, एनडीए का चलता रहेगा या नहीं, क्योंकि वही ने तो से चुना है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और मैन होता है, पूरा ताकत होती है प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है, जिससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता है जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि क्या ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। ये आपके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इनके बाद आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये 2000 का सीन, 2014 का सीन है। ठीक है, 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं राष्ट्रपति। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। याद रखिए इस शब्द को, जो भी राष्ट्रपति अधिकार अपने इस्तेमाल करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा। सीधा सा कहने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद जो भी फैसला करेगी, जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति को, उसे मानना बाध्य होगा, यानी कि मानना जरूरी है। राष्ट्रपति के पास दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, वो उसे नकार नहीं सकता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, यानी कि आप जब राज्यसभा में, फिर उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा में, जब तक वो कोई भी कानून बनाने की, जैसे निर्णय ले लिया जा रहा है, तो वो विधेयक कहलाता है। कोई भी फैसला आपका जब तक राज्यसभा और लोकसभा में रहता है विधेयक कहलाता है। जैसे ही इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपका कानून बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, किसे? राष्ट्रपति को। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन के लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए भी कहता है। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। प्रत्यक्ष
कहाँ के राष्ट्रपति का? अमेरिका। वह अपने मंत्रियों का चुनाव नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। विधायिका को क्या कहते हैं? अमेरिका में कांग्रेस करती है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती, ना ही वह उसके पिता उत्तरदायी होता है। उसका 4 साल का कार्यकाल तय होता है। अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ की का हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया गया। चूंकि सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को अपनाने को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अब याद रखिए, अगर आपके जो राष्ट्रपति हैं इन्हें जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से, तो बड़ा प्रधानमंत्री और आपके राष्ट्रपति में बड़ी लड़ाई होती रहती है, विरोध होता रहता है हर बात को लेकर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता कि अगर दोनों, क्योंकि जनता से चुने जाते फिर दोनों में गतिरोध तो पैदा होता ही। यहाँ देखते हैं, इली अम्मा अन्ना कुटी मेरी मॉल राष्ट्रपति के व्यवसाय वाले हिस्से को पढ़ती हैं। वे तीनों एक एक सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। क्या आप उन्हें उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं? इली अम्मा, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हैं तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री की विचार हमेशा प्रभावी होगा? जी। अन्ना कुटी, मुझे यह बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनाने में क्या तुक है? यानी कि ये रहता है कि जैसे आपके घर में कोई एक तो होगा जो फैसला लेता होगा, एंड वो अकेला आदमी है, वो कुछ नहीं अकेले कर सकता, लेकिन फैसले के लिए तो एक चुना जाता है। 4 भाई हैं, बाप जब तक जिंदा रहता है बाप ही सुप्रीम कमांडर होता है कि नहीं? जैसे ही बाप जाता है दूसरा बन जाता है, यानी कि भागीदारी सबकी रहती है उसमें, लेकिन नाम एक को दे दिया जाता है। समझ। मैरी मॉल, मेरा सवाल यह है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास है तो राष्ट्रपति की जरूरत क्या है? तो राष्ट्रपति की जरूरत ये है कि कोई भी फैसले, अब आप सोचिए अगर राष्ट्रपति ना होता तो जिसकी सरकार आती वो मनमानी करता पूरी तरह से, और एक लोकतंत्र पर आपके प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। अभी कम से कम विपक्ष है, उसे भी भरोसा है राष्ट्रपति पर कि हाँ वो फैसला अच्छा करेंगे। कई बार लोग देखते हैं आप लोग की राष्ट्रपति से सोनिया गांधी मिली, मुलायम सिंह मिले, अखिलेश मिले, इस तरह से मिले रहते रहते हैं। ठीक, बात करते हैं न्यायपालिका। इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए किस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता है। देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय तो होता है पर उसके पास सरकार की कार्यवाहियों को आंकने का अधिकार नहीं होता। उसे अधिकार होता अगर, मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होती। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता है, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की को जरूरत जरूरी माना गया है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद का सुनवाई कर सकता है, देश के नागरिकों के भी, नागरिकों और सरकार के भी,
दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर राम मंदिर मुद्दा रहा है, अगर इस पर सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग नहीं मानते होते तो अभी तक बवाल होता, कई जगह खून खराबा होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में हमें भरोसा तो है कि वो निष्पक्ष जांच करेगा तभी फैसला देगा। इसीलिए तो आपने देखा है कि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, डायरेक्ट जाकर उसके विरोध में किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, बस बोलते रहे कि देखना चाहिए, देख सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते रहे, लेकिन वो बड़े जांच पड़ताल करके ही फैसला देते हैं। ठीक है, यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था भी आपकी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखलंदाजी की गुंजाइश बेहद कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे अपने पद से हटाना लगभग असंभव है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के अलग अलग दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, याद रखिए कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें हटाया जा सका हो, कभी हटाओ ऐसा नहीं हुआ। दो तिहाई का मतलब समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा बहुमत होता है। ठीक है, जैसे 200 सदस्य हैं तो उनमें से दो तिहाई सदस्यों को जरूरत पड़ेगी। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उसने उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसे संवैधानिक वैधता तय करते हैं, जिसे न्याय समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि संसद और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकते। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जैसा कि आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था सरकार ने, एनडीए सरकार आई जब से नरेंद्र मोदी, तो आधार को अनिवार्य कर दिया गया था हर जगह। तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसी के बाद आपकी मर्जी पर छोड़ा गया है कि आप चाहें तो कहीं भी आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए अगर सरकार की मनमानी चल रही होती सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार कहती कि हमारा फैसला मान करो, यानी कि हर किसी को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा, उसी के पक्ष में निर्णय आता। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो भी न्यायपालिका है वो निष्पक्ष है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करती है। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों के को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालत में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई अदालत का जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं, PIL। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हर
हस्तक्षेप करती हैं, वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को जस्टिस जे एस खेर को 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में डॉक्टर सॉरी श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाए, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश को शपथ आपका राष्ट्रपति दिलाता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हें देखना लेना। गठबंधन सरकार, विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार। कार्यपालिका, व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के सर्वोच्च संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने, उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। कार्यपालिका सरकार, संस्थाओं का ऐसा समूह जिनके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संस्थाओं को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवाद के निपटारे का अधिकार होता है। देश के सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा जिनके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने, दूसरे वित्त विधेयकों को पास बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था, देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह। आरक्षण, भेदभाव के शिकार वंचित और पिछड़े लोगों और समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति होती है आरक्षण। राज्य, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिनके पास संगठित सरकार हो, वो घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकार बदल सकती है पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश राष्ट्र और राज्य की समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग देश के किसी देश के अंदर प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कह सकते हैं। एक तरह से आपके भारत को भी राज्य ही कहते हैं या राष्ट्र, ठीक है? याद रखिए, कभी कभी आपका राज्य जो शब्द है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इनके लिए भी यूज कर लेते हैं और कभी कभी भारत के लिए भी राज्य शब्द का यूज करते हैं। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित, तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते रहिए या वीडियो रोककर। और दूसरी बात, आपकी टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात कि टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां जो भी पीडीएफ होती है आपकी डाल दी जाती है, आपकी पढ़ाई से संबंधित अन्य पीडीएफ अगर आती हैं तो उन्हें भी भेजते रहता हूँ उसका, ठीक है? वहां से डाउनलोड क्या करिएगा, करिएगा इस तरह के जो भी लेक्चर हुआ करें उन्हें दूसरों तक पहुंचा दिया करिएगा, क्योंकि अगर हमारी वजह से हमारे देश का नागरिक जागरूक हो रहा है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है? तो ये आपका क्या था, चौथा चैप्टर क्या था? चौथा चैप्टर था संस्थाओं का कामकाज। पांचवें चैप्टर में बात करेंगे लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में, लोकतांत्रिक अधिकार देखेंगे हम लोग।